दोस्तों हाल ही में आई KGF चैप्टर 2 के लिए प्रशांत नील ने शानदार एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया, मगर उन्होंने एडिटिंग के लिए एक 19 साल के लड़के पर भरोसा जताया। KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर ने अपनी इस एक्शन और धमाकेदार सीन से भरी फिल्म के लिए किसी बड़े एडिटर को न चुनकर एक 19 साल के लड़के प्रशांत के ऊपर भरोसा जताया। जब उन्होंने प्रशांत के काम के बारे में सुना तो वे काफ़ी दंग रह गए, क्योंकि प्रशांत को उन्होंने सबसे पहले ट्रेलर एडिट करने के लिए लगाया और प्रशांत ने जब ट्रेलर एडिट करके KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर को दिखाया तो वो सब हद प्रवत रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसने एक शानदार एडिटिंग का नमूना पेश किया था। जहां साउथ की बड़े बड़े बजट की फिल्मों RRR, पुष्पा द राइज और राधे श्याम ने बड़े एडिटर्स की टीम को हायर किया, वहीं KGF में ये उस 19 साल के प्रशांत का ही कारनामा है। KGF चैप्टर 2 ने पहले ही दिन 135 करोड़ के बम्पर ओपनिंग। दोस्तों आज हम आपको इंडियन करेंसी से जुड़े कुछ गजब के फैक्ट्स बताएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए भी नोट छापे हैं? बात 1948 की, जब पाकिस्तान के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी तो रिजर्व बैंक ने उसके लिए नोट छापे। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में पहले भारतीय सिक्कों की तस्करी की जाती थी? 5 रुपए का एक सिक्का बांग्लादेश ले जाया जाता था और इस सिक्के से 6 ब्लेड बनाए जाते थे, जो कि 2 रुपए का एक था, यानी कि 12 रुपए, और 5 रुपए का सिक्का यूज करके वे लोग 12 रुपए का फायदा लगाते थे। ऐसा जब भारत सरकार को पता चला तो उन्होंने सिक्के का मटेरियल ही बदल दिया और आज ये तस्करी रुक गई है। दोस्तों क्या आप जानते हैं वैसे तो जितने भी भारतीय नोट होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जगह पर वित्त मंत्रालय के सचिव का साइन होता है। मगर क्या आप जानते हैं 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा ही क्यों जारी किया जाता है? अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों क्या भारत के सबसे लंबे पुल के बारे में जानते हैं? यह 9.1 किलोमीटर में बना हुआ है। लोहित नदी पर बना यह पुल असम राज्य के तिनसुकिया जिले में बना हुआ है और यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है। इस पुल को धौला सादिया के नाम से भी जाना जाता है, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। भारत के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे में 3 प्रकार के स्टेशन पाए जाते हैं? सेंट्रल, जंक्शन और टर्मिनल। मगर क्या आप इन तीनों में अंतर जानते हैं? चलिए जानते हैं। अगर किसी शहर के नाम के आगे सेंट्रल लगा हुआ है तो वह उस शहर का सबसे पुराना और सबसे बिजी स्टेशन होता है। सेंट्रल का मतलब होता है कि यह उस शहर के प्रमुख यातायात का साधन है। सेंट्रल स्टेशन पर देश भर से हर बड़े स्टेशन से ट्रेनें आती हैं। यह शहर का सबसे बिजी स्टेशन होता है और यह एरिया में भी काफी बड़े होते हैं। जंक्शन, जंक्शन का हिंदी में अर्थ होता है मिलन स्थल। जंक्शन ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ 3 या उससे ज्यादा लाइनें मिलती हैं। देश का सबसे बड़ा जंक्शन पॉइंट मथुरा जंक्शन है, जहाँ पर 23 की 7 लाइनें मिलती हैं। टर्मिनल, टर्मिनल ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर किसी ट्रेन की यात्रा शुरू या खत्म होती है। टर्मिनल में एक ही लाइन से ट्रेन आती है और उसी लाइन से वापस लौट जाती है। दोस्तों क्या आपको ये फैक्ट पता थे? ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रोहित शर्मा न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। पूरी दुनिया के तमाम बड़े गेंदबाज उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से खौफ खाते हैं। रोहित शर्मा पहले भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाया था। उन्होंने 45 गेंदों में 101 रन ठोके थे। आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा 45 नंबर वाली जर्सी पहनते हैं। दरअसल जब इनसे पूछा गया था कि आपको किस नंबर की जर्सी चाहिए, तब रोहित ने कहा था कि मुझे 9 नंबर वाली जर्सी चाहिए, लेकिन उस समय 9 नंबर वाली जर्सी उपलब्ध नहीं थी। तो फिर रोहित ने 45 नंबर वाली जर्सी ले ली, क्योंकि 4+5 होता है। दोस्तों टाइटैनिक को तो आप सभी जानते होंगे। आज से 108 साल पहले 10 अप्रैल 1912 को निकला यह जहाज 14 अप्रैल 1912 को एक ग्लेशियर से टकराकर डूब गया, मगर इसके मलबे को आज तक नहीं निकाला जा सका है। दरअसल टाइटैनिक जब डूबा था तो यह समुद्र में 6 किलोमीटर तक की गहराई में समा गया था। दुनिया में पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को समुद्र में ढूंढा जा सका था। टाइटैनिक जिस जगह पर डूबा हुआ था वहां पर घूप अंधेरा था और वहां का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। यहां जाकर किसी इंसान का लौटना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। इसी वजह से टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला गया और आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इसको तेजी से खा रहे हैं। जर्म्स पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया रोजाना 180 किलो लोहा खा जाते हैं। ऐसे ही नॉलेज और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर।